और इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता दें, कल सुबह 10:30 बजे अरविंद केजरीवाल की मुलाकात होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। हम आपको बता दें कि मुलाकात का वक्त मांगा था और ये वक्त मिल गया है प्रधानमंत्री से। प्रधानमंत्री ने कल ही बधाई दी थी अरविंद केजरीवाल को ऐतिहासिक जीत पर, फोन पर और चाय पर बुलाया था बात करने के लिए, चर्चा के लिए, और उनसे वक्त मांगा था अरविंद केजरीवाल ने मुलाकात का। अब कल का वक्त तय हुआ है, कल सुबह 10:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात होने वाली है अरविंद केजरीवाल की, जिसमें संभवतः दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने को लेकर भी बातचीत हो सकती है। और ये भी कहा जा रहा है कि खुद मिलकर पर्सनली एक तरीके से न्योता देंगे शपथ ग्रहण समारोह में अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री को आने का। पीएम से ही मुलाकात होगी, पीएम से मुलाकात होगी, उसे टाइम मांगा हुआ है, वो शायद कल का समय मिले राष्ट्रपति महोदय साहब से, आज शाम का समय मिलने का। और कल की ऐतिहासिक जीत के बाद अब आम आदमी पार्टी का आगे का प्लान क्या है, जानने के लिए आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया से बात की हमारे संवाददाता रवीश पाल सिंह ने। जीत का जश्न अभी भी बदस्तूर जारी है, इस वक्त जीत के बाद पहली सुबह मनीष सिसोदिया जी बाहर निकले हैं। और मनीष जी, अब भारी बहुमत, प्रचंड बहुमत आम आदमी पार्टी को मिला है, ऐसे में आने वाले दिनों की अगर हम बात करें तो आप क्योंकि पिछली सरकार में शिक्षा मंत्री रह चुके थे, कुछ ऐसी बातें हैं जिसमें खासतौर से 12वीं के बाद एजुकेशन लोन हो या फिर नए विश्वविद्यालयों की बात हो, आगे की रणनीति क्या है इस मामले? वही है जो हमने अपने मैनिफेस्टो में लिखा है कि सरकारी स्कूलों की दशा ठीक करेंगे, सरकारी स्कूलों में पढ़ाई ठीक हो इसका सुनिश्चित करेंगे, और इसके साथ साथ ये भी सुनिश्चित करेंगे कि जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वहाँ डोनेशन के नाम पे मोटे मोटे जो पैसे वसूले जाते हैं लोगों से वो वसूली ना हो, वहाँ के एडमिशन प्रोसेस ट्रांसपेरेंट हो। अभी पता नहीं चलता, पेरेंट्स धक्के खाते रहते हैं, नर्सरी फीस बहुत बढ़ा दी लोगों ने, इन सब चीज़ों को रेगुलेट करना है। कॉलेजेस का हमने कहा था कि 95% लाने वाले बच्चों को भी एडमिशन नहीं मिलता है, तो धीरे धीरे दिल्ली में कॉलेजेस की संख्या इतनी हो जाए, 20 कॉलेज तो हमने प्लान किए ही हैं, कि 60-70% लाने वाले बच्चे को भी ग्रेजुएशन में डिग्री के लिए एडमिशन मिल सके, इस तरह की व्यवस्था, उसी दिशा में काम करना शुरू करेंगे। ऑडिट पिछली बार हुआ था बीएससीएस का, सबसे पहले बधाई अगर किसी की तरफ से आई है तो वो बीएससीएस की तरफ से कल आई थी, इस पे क्या कहेंगे आप? ऑडिट तो होगा, जो ऑडिट रुक गया है बीच में वो तो होना है। एक आखिरी सवाल कि अन्ना हजारे ने कल एक बात कही थी कि रामलीला मैदान में इस बार शपथ न ले, मेट्रो से न जाए, इस तरीके की बातें, पार्टी लाइन इस पे क्या है? अभी बता देंगे, 14 तारीख को रामलीला मैदान में शपथ ले रहे हैं, और मैं सब लोगों से कहूंगा कि उस दिन वो जनता के सीएम हैं, जनता के सीएम शपथ लेंगे, तो सिर्फ अरविंद केजरीवाल को शपथ नहीं लेनी है, जनता को शपथ लेनी है सीएम के रूप में। सब लोग जो लोग चाहते हैं इस पूरे मूवमेंट में शामिल होना, इस मूवमेंट की सक्सेस देखना, वो सब लोग आके रामलीला मैदान में शपथ लें। बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। तो ये थे मनीष सिसोदिया जी, जिन्होंने साफ कर दिया कि शपथ रामलीला मैदान में ही होगी। कैमरामैन सुबोध सक्सेना के साथ रवीश पाल सिंह, दिल्ली आज तक।